पढ़ने लगी तो मैंने सोचा कि तुमसे कुछ बात ही कर लो। राहिला, हो क्या रहा है इस घर में? क्या मतलब है? आपा कह रही थी कि वो सोमिया को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती। आपने वजह पूछी? पूछा था, उन्होंने कहा कि तुमसे पूछूं। अम्मी, आप ना ही बोले इस मामले में तो ज्यादा बेहतर है। ऐसा ना हो कि आपने कुछ बोल दिया तो मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। लेकिन बेटा, कुछ पता तो चले कि आखिर बात क्या है। बात यह है कि सोमिया की मर्जी नहीं है यहाँ शादी करने के लिए। उसने हातिम को साफ मना कर दिया है। सोमिया ने ऐसा क्यों कहा? मैंने आपको बताया तो था, ये लड़की ना जाने अंदर ही अंदर क्या कुछ करती रहती है। और तो और, वो लड़का नुमान की गैर मौजूदगी में घर आने लगा है। हाय अल्लाह, तुम सच कह रही हो राहिला? मैं तो बहुत से सच अपने अंदर छुपाए बैठी हूँ। मेरी तो दुआ है कि बस ये लड़की इज्जत से इस घर से रुखसत हो जाए। सोमिया को देख के कोई ये नहीं कह सकता कि ये लड़की इतनी मक्कार है। लेकिन मुझे तो ये परेशानी हो रही है कि मैं नुमान को क्या जवाब दूंगी। आप किसी से कुछ मत कहिएगा। अगर ये सब कुछ बोलना इतना ही आसान होता ना तो मैं कब की बोल चुकी होती। लेकिन वो मुझसे जवाब तो मांगेगा ना, मैं क्या जवाब दूं? आप कुछ मत बताइएगा। बल्कि सच तो ये है कि हातिम की ख्वाहिश नहीं है कि वो अब सोमिया से शादी करे। और फहमीदा खाला ने भी हातिम के कहने पर ही इनकार किया। और वैसे भी हातिम सब कुछ जानते हुए भी सोमिया से शादी कैसे करेगा? ना खैर करे, लेकिन ये सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा राहिला। क्या कह सकते अम्मी,